दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भेजा है। संजय सिंह ने रेगुलर बेल के लिए अपनी याचिका अदालत में लगाई थी। इस केस में प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को पिछले 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने संजय सिंह की याचिका पर ईडी से 29 जनवरी तक जवाब मांगा है। संजय सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि वो इस केस की जांच अगस्त 2022 से चल रही है, लेकिन इस केस में ना तो वो आरोपी हैं और ना ही संदिग्ध हैं। संजय सिंह ने आगे कहा कि 3 चार्जशीट दायर होने के बावजूद अब तक उनके खिलाफ जांच में कुछ भी सामने नहीं आया है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता किसी आपराधिक कृत्य में दोषी नहीं पाया गया, उसने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े किसी भी धारा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए याचिकाकर्ता की जिंदगी और स्वतंत्रता की सुरक्षा होनी चाहिए। इस केस में झूठे आरोपों में उन्हें फंसाया गया है। इससे पहले 22 दिसंबर 2023 को ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा था, प्रथम दृष्टया कोर्ट ने ये पाया है कि संजय सिंह के खिलाफ केस सही है। सबूत ये दिखा रहे हैं कि उनकी संलिप्तता मनी लॉन्ड्रिंग में थी। इस बात की वजह है कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी माना जाए। स्पेशल जज M.K. नागपाल ने कहा था कि प्रथम दृष्टया सबूत और अन्य चीजें ये दिखाती हैं कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से इस केस में शामिल है। बता दें, संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि दिल्ली आबकारी नीति को बनाने में घूस का लेन देन हुआ था। हालांकि अदालत में संजय सिंह के वकील की तरफ से कहा गया था कि 2 करोड़ की घूस लेने के जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों से संबंधित कोई भी पैसा याचिकाकर्ता के पास या उनके घर से नहीं मिला है। बता दें कि कथित शराब घोटाले में संजय सिंह पर आरोप लगे हैं कि इस घोटाले के एक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके घर पर मुलाकात की थी और इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि संजय सिंह नई आबकारी नीति को बनाने और उसे लागू करने में शामिल थे। उन पर घूस लेने के भी आरोप हैं।